डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग सब्जेक्ट साइंस वाले में एक बायोलॉजी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और जिसको हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लियर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक का बात करें तो हम लोग जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन, जो अभ्यास में दिया हुआ रहता है प्रश्न, उसको हम लोग समझ रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभ्यास वाले प्रश्न में हम लोगों ने 5 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए आइए लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। चलिए, जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना अति आवश्यक है, ताकि उस भोजन को अमाशय तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हमारा दांत क्या करता है, उस भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है। और दूसरा बात, जब भी दांत का काम है सिर्फ टुकड़ा करना, और जीभ का काम क्या है कि जो टुकड़ा हो रहा है दांत दांत से जो टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, वो जीभ करता है उसको मिलाने का काम। जीभ से लार स्रावित होते रहता है, उस लार में एक एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एमिलेस एंजाइम, जो लार में पाया जाता है। वह एंजाइम भोजन के साथ मिल जाता है, और मिलाने का काम कौन करता है? हमारा जीभ। इसलिए दोस्तों, जब हम लोग आप कुछ भी भोजन खाते हैं तो मेरा जीभ क्या करता है, उस भोजन को अलटने पलटने में, ऊपर नीचे करने में कामयाबी हासिल करता है। क्यों? क्योंकि उस भोजन के साथ पूरा लार में जो एमिलेस एंजाइम है वो बिल्कुल उसके साथ मिल जाए। ठीक है, तो लिखा जाए इसका आंसर 6 का। लिखा जाए, जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। उस भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। यह क्रिया हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। यह क्रिया हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। पूर्ण विराम, भोजन को गीला करने के लिए हमारा लार कार्य करता है, ताकि भोजन का मार्ग आसान हो जाए और भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंच सके और भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंच सके। तो जी हाँ, हम लोग लार का भूमिका क्या है, तो लार जो है सबसे पहले दांत से चबाकर उसको छोटे छोटे कणों में व्यक्त कर लिया जाता है। फिर जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें जो भोजन को गीला करने का काम करता है, गीला मतलब लार मिलाया जाता है ताकि
अमाशय तक भोजन को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ये था छठे नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, सातवां नंबर में सातवां नंबर क्वेश्चन भोजन नहीं है, सातवां नंबर क्वेश्चन फिर से लिखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उत्पाद क्या हैं, और इसके उत्पोत्पाद। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्त? उत्पोत्पाद का मतलब हुआ उत्पाद, ठीक है, और उत्पाद का मतलब जानते हैं हम लोग, प्रतिफल, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये उत्पोत्पाद लिखा हुआ है, इसका मतलब अभिक्रिया यहाँ दिखाना है कि आखिर प्रतिफल में क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके उत्पोत्पाद क्या हैं। तो उत्पोत्पाद का मतलब क्या हुआ? उत्पोत्पाद का मतलब हुआ उत्पाद, और उत्पाद को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। और प्रतिफल किसको बोलते हैं दोस्तों? तो रासायनिक समीकरण में जो तीर के दाईं ओर होता है ना, उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, और रासायनिक समीकरण में जो तीर के बाईं ओर होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसके उत्पाद में क्या बनेगा, हमको जो है अभिक्रिया लिखकर समीकरण लिखकर बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो स्वपोषी किसको कहते हैं भाई? स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सके, जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बना लेते हैं, इसलिए ऐसे जीव को बोलते हैं स्वपोषी जीव। तो बोला जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। तो हम जानते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए। तो ये सब क्या हुआ? तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक मटेरियल हुआ, आवश्यक परिस्थितियां हुआ। तो बोला जा रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन है? तो यही सब है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, खनिज लवण है जो मिट्टी में पाया जाता है ना, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब स्वपोषी के लिए यानी कि पेड़ पौधों के लिए क्या हुआ? आवश्यक हो गया। और बोला गया कि इसके उत्पोत्पाद, तो उत्पोत्पाद का मतलब इसका समीकरण देना है, तो हम समीकरण देंगे। फिलहाल इसका आंसर लिखा जाए, उत्तर सातवां का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, उसके नीचे पहला लिखेंगे, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हरित लवक, एक हरित लवक भी होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, हरित लवक, तीसरा जल, चौथा खनिज लवण, चौथा लिखिए खनिज लवण, पांचवा लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। तो कुल मिलाकर ये सब आवश्यक हैं। अब लिखा जाए उसके नीचे, इसके उत्पोत्पाद निम्नांकित हैं
निम्नांकित हैं, यानी कि इसके उत्पाद में क्या क्या बनता है। ठीक है, तो इसके उत्पाद में क्या क्या बनता है जरा इनको देख लीजिए। तो सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ सिक्स सिक्स से मल्टीपल करते हैं, क्यों? संतुलित करने के लिए। C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये हम लोगों का समीकरण है। तो बोल रहा था कि इसके उत्पाद क्या है, तो इसको न हम लोगों को समीकरण लिखना था। तो इस समीकरण को याद रखिएगा कि पेड़ पौधों के लिए स्वपोषी पोषण के लिए ये रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा। और ये छ और छ क्या है, ये हम लोग संतुलित कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, आठवां नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन, वायवीय ऐसे लिखिएगा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, में क्या अंतर है? पूर्ण विराम। कुछ जीवों के नाम लिखें जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि वायवीय और अवायवीय क्या है। तो वायवीय का मतलब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति को वायवीय कहते हैं, ऑक्सीजन जहां उपस्थित नहीं होता है उसको अवायवीय कहते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग दोनों को में अंतर बताना है। तो एक तरफ लिखा जाए वायवीय श्वसन, एक तरफ लिखिए वायवीय श्वसन, और दूसरा तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन। एक तरफ वायवीय श्वसन और दूसरा तरफ अवायवीय श्वसन। अब वायवीय का पहला लिखिए और इसका भी पहला लिखिएगा, फिर इसका दूसरा, ऐसे ही हम लोग अंतर करते हैं। तो वायवीय श्वसन का पहला में लिखिएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पहला में लिखिएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अवायवीय श्वसन का पहला लिखेंगे, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अनुपस्थिति का मतलब वहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ लिखा जाए, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। अब लिखा जाए वायवीय श्वसन का दूसरा में, वायवीय का दूसरा, इसमें लिखा जाए, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। यह कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ लिखा जाए, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अवायवीय का दूसरा लिखा जाएगा, यह क्रिया कोशिका के केवल जीव द्रव्य में होता है, कोशिका के केवल जीव द्रव्य में होता है। ठीक है, फिर लिखा जाए तीसरा अंतर, यानी कि इसका तीसरा। ठीक है, तो वायवीय का तीसरा में लिखेंगे, यह क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है,
यह क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, ठीक है। और इसमें लिखा जाए अवायवीय का तीसरा में, इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने तीन तीन अंतर देखा, किसमें किसमें, वायवीय में और अवायवीय में, ठीक है। चलिए अब लेकिन इसके बाद एक और सवाल है कि कुछ ऐसा जीव का नाम बताइए। तो यहाँ पे हम लोग अंतर यहीं तक लिखेंगे, ज़्यादा लाइन नीचे आ गया था, क्या लिख रहे थे। हाँ, अगला सवाल ये भी इसमें पूछा हुआ है कि कुछ जीव का नाम लिखें जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो उसके नीचे पैराग्राफ चेंज कर लेंगे इतना और लिखेंगे ईस्ट, ईस्ट जीवाणु और कवक, ईस्ट जीवाणु और कवक में अवायवीय श्वसन होता है। सवाल ये भी बोल रहा था कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा जीव का नाम बताइए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये अपना श्वसन की क्रिया करते हैं। वे जीव कौन कौन से हैं? तो ईस्ट जीवाणु और कवक में याद रखिएगा अवायवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों आज हम लोग 6, 7, 8 ये तीन क्वेश्चंस को किए हैं, टोटल 13 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो आज हम लोग 8 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।